हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, काफ़ी लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं। कोई पूछ रहा है टीटागढ़ रेल कब भागेगा, क्या हो गया है। कोई बोलता है जुपिटर वैगन लेके फंस गए हैं, अब चल ही नहीं रहा है। कोई मैसेज कर रहा है टेक्समैक और रेल को क्या हो गया है, चल नहीं रहा है। तो सवाल ये है कि तीनों शेयर चल क्यों नहीं रहे हैं, तो उसके तीन चार कारण हैं। ये तीनों शेयर के बारे में बात करने के पहले आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए रॉकेट शेयर या फिर आपको चाहिए लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर शेयर, तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। रॉकेट शेयर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मल्टीबैगर शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फ्रेंड्स, टीटागढ़ वैगन्स, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स जो कि अभी चल रहा है 1450 रुपीज़ पर, जबकि इसका 52 वीक हाई था 1900 रुपीज़ का, वहाँ से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। जुपिटर वैगन्स जो कि 750 का हाई लगाया था, अब चल रहा है 542 रुपीज़ पर, ये भी काफ़ी गिर चुका है। टेक्समैक रेल 300 का हाई लगाया था, अभी चल रहा है 251। ये तीनों शेयर मार्केट में इतनी तेज़ी आ रही है, फिर भी बढ़ने को तैयार नहीं है। बढ़ते भी है तो 1-2% बढ़ते हैं, फिर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहला रीज़न ये है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो रेलवे सेक्टर के शेयर ही सभी शेयर जो है अभी थोड़े से सुस्त हो गए हैं। बजट के बाद में भागना ही बंद हो गया एक तरह से, और ये तीनों शेयर का भी हाल वैसा ही है क्योंकि रेलवे सेक्टर से बिलोंग करते हैं मेजरली। दूसरा रीज़न ये है कि ये तीनों कंपनियों में प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो क्वार्टर वन का जो रिज़ल्ट आया, ईयर ऑन ईयर तो अच्छा आया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटकर आया है इनका प्रॉफिट। तो मार्केट को चाहिए कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों भी बढ़कर आना चाहिए, या फिर कम से कम इसका वैल्यूएशन कम होना चाहिए। बट वैल्यूएशन जो है अभी इनके पी जो है क्वार्टर वन रिजल्ट के बाद इतने ज़्यादा कम हुए नहीं, क्योंकि रिजल्ट आए थे थोड़ा एवरेज आए थे, बहुत ज़्यादा बढ़कर आए नहीं थे। तो जब पी इनका वैल्यूएशन घटा नहीं तो इनको भगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये शेयर काफ़ी भाग चुके थे। इसीलिए मार्केट देखता है वैल्यूएशन, तो अभी वैल्यूएशन है महंगा। क्वार्टर टू के रिजल्ट में अगर इनके रिजल्ट शानदार आए और इनका वैल्यूएशन सस्ता हुआ तो फिर से ये शेयर में स्पीड आएगी, या फिर तीनों कंपनियों में से किसी को कोई बड़ा ऑर्डर मिला तो ये स्पीड पकड़ेगा, नहीं तो क्वार्टर टू के रिजल्ट तक शेयर थोड़े से हमें कमज़ोरी देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर जाएंगे, थोड़ा साइडवेज जाएंगे, ऐसा ही चलेंगे। पहले जैसे रफ्तार से भाग रहे थे, स्पीड से भाग रहे थे, वैसे भागने की उम्मीद अभी हम शॉर्ट टर्म में ये तीनों शेयर से नहीं कर सकते हैं। हालांकि तीनों कंपनियों के पास काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है, बट मार्केट देखता है क्वार्टरली परफॉर्मेंस, जिसके कारण ये तीनों शेयर अभी भागने को तैयार नहीं है। अगर आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा और आप अपना फंड ब्लॉक नहीं करना चाहते होंगे तो अभी आप निकल सकते हो। क्वार्टर टू का रिजल्ट अच्छा है तो फिर से एंट्री कर सकते हो। अगर आपने सस्ते में लिया हुआ है काफ़ी और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो भी आप निकल सकते हो, और क्वार्टर टू का रिजल्ट अच्छा है तो फिर से एंट्री कर सकते हो। पर अगर आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाई रेट में फंसे हुए हो, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप 100% एग्जिट कर सकते हो, या 30-40% से शेयर बेचकर बाकी शेयर होल्ड कर क्वार्टर टू के रिजल्ट का वेट कर सकते हो। ये सब ऑप्शंस आपके सामने हैं। हालांकि कंपनियां तीनों भी अच्छी है, बट अभी जो स्पीड से पहले भाग रहे थे वैसा भागने की उम्मीद कम है, और वैसे भी रेलवे के टेंडर वगैरह भी जो आएंगे मोस्टली क्वार्टर टू में आएंगे, तो ऑर्डर भी ज़्यादा उसी टाइम पे मिलेगी, तभी ज़्यादा स्पीड से शेयर भाग सकते हैं। अभी थोड़ा सा माहौल ठंडा लग रहा है, रेलवे के अभी कोई ऑर्डर्स भी निकल नहीं रहे हैं, जिसके कारण शेयर में तेजी आए। तो ये सब सोचते हुए डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।